हेलो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट जॉब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PSPCL द्वारा बहुत बड़े पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी शैक्षणिक योग्यता और इसमें कौन कौन से LDC जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर इंजीनियर और इससे भी अलग अलग पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन सारे पदों पर आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं 1000 पदों पर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 500 पद, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 110 पद, रिवेन्यू अकाउंटेंट के लिए 54 पद, इलेक्ट्रिकल ग्रेड सेकंड के लिए 45 पद। तो दोस्तों, इनका किस तरीके से करना है आवेदन, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर चलूंगा जहां हम देखेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें किस तरीके से डिफाइंड है और ऑनलाइन आवेदन का क्या प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऊपर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में ऊपर पंजाबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्योंकि ये जो जॉब है वो पंजाब स्टेट के लिए है, और नीचे थोड़ा स्क्रॉल आप करेंगे तो यहां पर आप सारी पोस्ट को देख सकते हैं, वो इंग्लिश में डिफाइंड है। यही दोस्तों शॉर्ट में मैंने इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी सुविधा के लिए बहुत ही आसान भाषा में ये स्लाइड तैयार की है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम पॉइंट जॉब्स को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इस बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब पर आए, जो भी पोस्ट अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी इस वीडियो को एक लाइक भी प्लीज़ जरूर दें और वीडियो को जो भी इच्छुक आपके दोस्त रिश्तेदार हों उनको शेयर भी जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है PSPCL के अंदर निकली हुई सारी जॉब्स के बारे में। दोस्तों, उससे पहले एक और आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे की कमांडो यूनिट का क्या नाम है। ये एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम डेली बेसिस पर एक पूछते हैं जो दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए, जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको लिखना है इसका नीचे आंसर कि इंडियन रेलवे की कमांडो यूनिट का क्या नाम है, गरुड़, कोबरा, कोरस या घातक। इसमें से एक आंसर सही है जो आपको नीचे कमेंट करके जरूर लिखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। PSPCL संगठन पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो आवेदन मांगे हैं उसकी जो आरंभिक आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 20 तारीख को होगी। दोस्तों, हमने आपके लिए ये एडवांस में ही वीडियो बना दी है क्योंकि आज है दोस्तों 19 तारीख और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कल से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक दूंगा जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है जैसा आप दोस्तों देख सकते हैं वो है 9/9/2019 यानी कि 9 सितंबर 2019। कुल रिक्तियाँ, कुल पद जो हैं वो हैं 1798। पद का स्थान जो होगा वो होगा पंजाब। पद का नाम दो पदों पर निकली हुई हैं, नौकरी निकली है LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर इंजीनियर। और आगे दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे पदों को दोस्तों आप यहाँ पे जैसे मैंने अभी दिखाया था लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए इतने इसमें आवेदन मांगे गए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी इसके आगे कुछ पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, डिविजनल अकाउंट के लिए दोस्तों 26 पद जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए हैं यहाँ पर 50 पद, इंटरनल ऑडिटर के लिए 9 पद और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए दोस्तों 4 पद। तो ये सारे पद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें जिन पर जो आवेदन मांगे गए हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल के बारे में। योग्यता विवरण यानी कि एलिजिबिलिटी डिटेल्स दोस्तों कुछ इस तरीके से है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों ग्रेजुएट का होना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन जरूर होनी चाहिए। ITI धारक जो होते हैं दोस्तों, जिन्होंने ITI की हुई है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इवन अप्रेंटिसशिप वाले जो ट्रेनी होते हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो डिप्लोमा धारक भी इसमें कर सकते हैं, और इंजीनियर के लिए जो पोस्ट निकली हुई है उसमें BTech और BE चलेगा। इक्विलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड, जी हाँ दोस्तों ये आपने कहीं से भी अगर की हुई है बस वो क्या होना चाहिए, एक रिकग्निशन बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर एज की बात करें तो दोस्तों इसमें एज क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि 18 वर्ष से लेकर मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष
एज रखी गई है। वेतन अभी दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन में दिखाया है वहाँ पर अभी जारी नहीं किया गया है, इसके बारे में और एक वीडियो दोस्तों मैं बताऊँगा जिस दिन इसका फुल नोटिफिकेशन और साथ ही साथ दोस्तों जो इसकी फुल डिटेल होगी उसके बाद में जब इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके बारे में भी ऑनलाइन एक वीडियो ज़रूर बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल एग्ज़ाम पॉइंट जॉब्स को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो हमने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर भी आप दोस्तों ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।